हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सभी को पता है कि राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम दो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है आपका, फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसको हमने डिटेल में किया। ठीक है, सेकेंड है आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ठीक है, इसमें हमने काफी सारी चीजें कवर की, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, मशीन लर्निंग और एआई। प्लस इनको हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी देखा, क्योंकि भाई जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, सारा मैंने आपको करवाया है। आपको एक्स्ट्रा जो है किसी भी पीछे के या किसी भी चीज़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना करवाया है उतना इनफ है। उतने में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो हम थर्ड सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो आपके उप्स के फीचर्स हैं वो हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, जावा में यूज करते हैं, पाइथन में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके एग्जाम जो सिलेबस में मेंशन है वो सी प्लस प्लस और जावा ही मेंशन है। उसके साथ ही सिलेबस में क्या मेंशन है, आपका ऑब्जेक्ट मेंशन है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लासेस क्या होते हैं आपको वो पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर उसके बाद आता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें आपकी ट्राई, कैच, थ्रो, ये सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं, डिवाइड एंड जीरो की जो एक्सेप्शन आती है, ये सारी चीजें कि भाई कंपाइल टाइम में तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करवाते हो उस टाइम पे एरर आ जाती है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है आपका फाइल एंड स्ट्रीम। ठीक है, ट्राई करेंगे कि आज पूरा हो जाए। अगर आज पूरा नहीं होगा तो भाई एक दो टॉपिक आपका जो है हम कल करेंगे, और जो क्वेश्चन है वो इसके बेस पे हम कल ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो यूनिट थी आपकी, सभी बच्चों ने कमेंट किया और बोला कि मैम जो है एमसीक्यू करवा दो। तो एमसीक्यू मैं सोच रही हूँ कि अभी अपना फटाफट सिलेबस कर लेते हैं, फिर एक मैराथन क्लास रखेंगे, एक मैराथन क्लास जिसमें मैं ट्राई करूंगी कि आपको सभी के जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो हम वहाँ पर डिस्कस कर सकें। अगर एक एक सब्जेक्ट में उठाते हैं तो 14-15 दिन में आपका जो है पूरा का पूरा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दो एक एक दो दो घंटे की क्लास में। ठीक है, तो एमसीक्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो है हम एक बार कर लेते हैं सिलेबस, ताकि थोड़ा सा आपका सिलेबस हो जाए। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम करेंगे, फिर डिजिटल लॉजिक, इस तरीके से आगे फर्दर जो है सब्जेक्ट्स को बढ़ते जाए। ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, तो सबसे पहले देखो भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, मतलब क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और भी अदर लैंग्वेज है। तो थ्री मेजर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज। सभी को पता है कि मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, आप सभी को पता है। आप सभी को पता भी है कि मशीन जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, और इसमें असेंबली लैंग्वेज में ये आपसे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कि भैया जो मिनिमोनिक्स कोड है असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज किया जाता है, मिनिमोनिक्स कोड को यूज किया जाता है। अब मिनिमोनिक्स कोड आपके कौन से हो जाएंगे, जिसमें आपका एड, सब, डिव, इस तरीके से ये जो है एड, सब, डिव, मल्टीप्लाई, लोड, ये सारे मिनिमोनिक्स कोड्स हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, जो आपकी यूजर अंडरस्टैंडेबल होती है, यूजर जिनको अपनी लैंग्वेज में लिखता है। क्लियर है भाई, आई होप आपको ये सारी चीजें पता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज और फिर है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी कि मैं आपको एक तरीके का बेस यहाँ पर समझाने जा रही हूँ कि भैया हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम ऑलरेडी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले हुआ, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल था आपका वहाँ पे मैंने आपको बताया था, बट फिर भी एक बार अच्छे से क्लियर कर लो कि भैया जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो क्या है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हम उप्स के फीचर्स को यूज करते हैं, उसके साथ ही आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज भी होती है। तो कौन सी अब प्रोसीजरल लैंग्वेज है और कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कोई कमेंट करके बताएगा कि कौन सी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, कौन सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो प्रोसीजरल लेवल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी होती है, अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज आर टिपिकली कॉल्ड एज प्रोसीजरल लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपकी सी,
कोबोल, फोटोन, एचटीएमएल, ये सारी आ जाती है। ठीक है, क्या क्या आ जाती है? आपकी सी लैंग्वेज आ जाती है, आपकी कोबोल आ जाती है, आपकी फोटोन, एचटीएमएल, है ना। उसके बाद आता है आपका, ठीक है, तो सी, कोबोल, फोर्ट्रॉन, एचटीएमएल, ये आपकी क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो मॉडलिंग द डेटा, है ना, डेटा को थोड़ा सा एक अच्छे से, मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। अप्रोच टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, ये सारी चीजें आती हैं। और हमें जो फीचर्स पढ़ने हैं, हमें जो है सी प्लस प्लस और जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स जो है इस जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है वहां पर हमें करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन आपका ये है कि भैया पहले जो है आपकी कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जहाँ पर जो है उप्स के फीचर को यूज किया गया था, यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो जो उसके फीचर्स हैं, लाइक आपका इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लासेस हो गई, ये सारी चीजें जो है सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में यूज की गई? अब ऑप्शन मैं बता देती हूँ आपको, सी प्लस प्लस, जावा, सेमुला, और डी ऑप्शन है आपका पाइथन। कमेंट करके बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसके आगे देखो, जो उप्स है वो इंट्रोड्यूस जो है इंट्रोड्यूस टू ओवरकम ड्रॉबैक इन द, जो भी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज में, ऑब्वियसली कोई भी जब न्यू चीज आती है मार्केट में तो जो पुरानी चीजें में जो खामियां थी, मतलब जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज में जो जो ड्रॉबैक्स थी, जो जो कमी थी, उसको ओवरकम किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी बंदा, जैसे अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हो, सपोज आपने फर्स्ट टाइम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, ठीक है, आपने ये एक लड़का है, इसने फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, ठीक है, क्वालिफाई नहीं हुआ, कुछ उससे रह गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब, एक तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो फिर से उठते हैं, क्योंकि आजकल डिप्रेशन ऐसी चीज चल गई है कि बच्चों को लगता है नहीं यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, क्या दिक्कत है, बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा से उठेगा ना, तो सबसे पहले देखेगा भैया मैंने लास्ट टाइम गलती क्या की थी, है ना, मतलब तो खुद के अंदर इम्प्रूव करेगा तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। लेकिन अगर आप पुरानी गलतियों को सेम टाइम रिपीट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको जो है अपनी कमियों को यहाँ पर दूर करना है, समझ में आया? तो प्रोसेस वही है। तो यहाँ पर सच एज रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आया आपका उप्स में और आपकी मेंटेनेबिलिटी का, ठीक है। तो मेन फंडामेंटल बिहाइंड द ऑप्शन इज टू कंबाइन द सिंगल यूनिट बोथ डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा सच एज यूनिट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? इजीली अपग्रेड है, इजीली आप अपग्रेड कर सकते हो स्मॉल सिस्टम टू लार्ज सिस्टम, मतलब छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम में इजीली आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि अपडेट कर सकते हो। इजी टू पार्टीशन वर्क फ्रॉम सेम प्रोग्राम, एक सेम प्रोग्राम का जो है आप उसको पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हो। मैसेज पासिंग टेक्निक दैट मेक्स कम्युनिकेशन इजियर, जो मैसेज पासिंग टेक्निक है जो आप कम्युनिकेशन करते हो उसको ईजी बनाती है, आसान करती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी ईजी मैनेज, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को ईजिली जो है वो मैनेज किया जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी कम रहती है और सिंपली जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं उप्स के। अब सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका भैया ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भैया जो आपका सिलेबस है वो यही है, ऑब्जेक्ट इन क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हम एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे, क्योंकि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैं भी दे नहीं रखा बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्या होता है? एक इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, और जो क्लासेस हैं वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन बन जाता है, इन्हीं ऑब्जेक्ट को जब हम कलेक्ट कर देते हैं, कलेक्शन बना देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है? क्लास बन जाती है, ठीक है। अभी आप और अच्छे से समझ पाओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो इतनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। कैसे नहीं देते हैं? देखो क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा था कि भाई क्लास इज अ, मतलब पूछा था कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, रियल वर्ल्ड एंटिटी बट ऑब्जेक्ट नॉट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है लेकिन क्लास है। बी ऑप्शन में पूछ लिया कि क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन में पूछा
क्लास जो है, क्लास इज रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। और डी ऑप्शन में आपसे पूछा कि क्लास इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी बट ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है लेकिन क्लास नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। यहाँ से आप, यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपके ऑलमोस्ट काफी सारे एग्जाम में आए हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि भैया कि जितने एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो वहीं से आपको चीजें उठा के मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग से ही धरती पर कुछ और क्रिएट किया जाएगा, नहीं, यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यही किताबें हैं, यही सिलेबस है, बस आपको जो है चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बेसिक चीजें उठ के आती हैं एग्जाम में और फिर हम सोचते हैं भैया इतना बेसिक मतलब क्या। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो क्लास है वो आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती है, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो आपके रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी बट ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। समझ में आया? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है लेकिन ऐसी लाइंस में हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर जब एग्जाम में आता है तो सोचते हैं अरे यार ये कहाँ से आ गया, मैंने तो ऑब्जेक्ट भी पूरा पढ़ा था, क्लास भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, वो भी पढ़ लिया था, बट पता नहीं एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देता है। लेकिन होता उन्हीं चीजों में से है, लेकिन हम जो है पढ़ने में चीजों को स्किप कर देते हैं भैया। चाहे जो है 10 लाइन पढ़ने के बजाय चाहे 5 लाइन पढ़ो, लेकिन उनको इतना अच्छे से पढ़ो कि भैया ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन या कैसा भी क्वेश्चन ऑनलाइन में से उठ के आए, आपको फटाक से चीजें याद हो कि भैया इसका आंसर तो यही था, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कार, कार के एट्रीब्यूट क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, कार के एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे कि भैया कार का कलर क्या है, रेड कलर है, ब्लैक है, व्हाइट है, येलो है, ब्राउन है, ग्रे है, तो ये जो है आपकी कार के अलग अलग कलर हो गए। स्पीड कि भाई कार की बड़ी स्पीड क्या है, फंक्शनैलिटी में फ्यूल, स्पीड, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें एट्रीब्यूट में आपके वेरिएबल्स एंड डेटा नंबर्स और फंक्शनैलिटी में आपके फंक्शंस एंड मेथड्स। इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? बहुत ही जो है उस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें एकदम से माइंड में बैठ जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लास की। आई थिंक ऑब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लास क्या होती है। ठीक है, तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये अगर सिंगल सिंगल बात करें तो आपके क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। लेकिन जब इनका कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या बना देता है, क्लास, ठीक है। तो ये क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। इन सब का कलेक्शन क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। तो क्लास इज अ स्ट्रक्चर वेयर कैन डिफाइन वेरिएबल्स एंड मेथड टू यूटिलाइज बाई ऑब्जेक्ट, जहां पर हम वेरिएबल्स एंड मेथड्स को जो है डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स और यहाँ पर आपके वेरिएबल्स, डेटा मेंबर्स, एट्रीब्यूट्स और ये फंक्शन और मेथड इसमें। तो वेरिएबल्स एंड मेथड जो है वो हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं भाई, क्लास में, ठीक है। तो क्लास जो है वो आपका एक तरीके का क्या है, ब्लूप्रिंट। जैसे यहाँ पे कार क्या है आपकी, कार क्लास क्या है, क्लास, लेकिन उसका एट्रीब्यूट, उसके फंक्शंस लाइक आपको उसका कलर क्या है, स्पीड क्या है, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है कि कार कौन सी, ओडी है, बीएमडब्ल्यू है, i10 है, क्या है, ठीक है। तो क्लास जो है, क्लास आपकी यहाँ पर क्या हो गई, कार हो गई, है ना। और कार की जो टाइप है लाइक कार ओडी है, बीएमडब्ल्यू है, i10 है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट होगा। और इन सभी को जो है अगर मैं एक साथ कर दूं, मिला दूं, तो वो आपका क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। और क्लास आपकी क्या होती है, ब्लूप्रिंट। क्लियर है अभी यहाँ तक? क्लियर है? हाँ जी। विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। बिना क्लास, अगर क्लास ही नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लगाओगे भाई, एक क्लास के अंदर। ये क्लास है तभी इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आएंगे, है ना। लेकिन अगर क्लास ही नहीं है, विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के जो है, वी कैन यूज ओनली स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। हम जो है स्टैटिक फंक्शन यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट डाउन कर लो यहीं पर, ठीक है। समझ में आया? जितनी एक एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखवाई है सारी की सारी समझ लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये,
और वही जो है उसी को मैं जो है थ्योरी बनाकर क्वेश्चंस बनाकर आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि जो है आप एग्जाम में अगर यहाँ से चीजें आती हैं तो डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसी हो कि भैया ये चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आप डिफरेंस की बात की जाए, जब क्लास पढ़ लिया हमने, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, तो इनका डिफरेंस तो बनता है ना कि भैया होते क्या है। तो क्लास आपकी क्या है, डेटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये आपका ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है और इट गिव लाइफ टू अ क्लास। ठीक है, ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड करता है, क्लास को लाइफ। डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी लोकेशन, ये जो है मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि भाई आपको जो है लिखने के लिए जगह तो चाहिए ना ऑब्जेक्ट्स आपको, लेकिन क्लास जो है वो मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई नहीं करता। कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन मेमोरी, इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, और ये आपका मैनिपुलेटेड ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मैनिपुलेटेड है। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फीचर्स की बात करें तो एनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे किसके उप्स के फीचर्स हैं जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं, और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले उप्स में आप तक आपका आता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन आपका क्या होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, क्लास होती है, इंटरफेस होता है। एनकैप्सुलेशन में क्लास और इंटरफेस, असेस, मॉडिफाई, डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, है ना। इनहेरिटेंस में आपका पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, ठीक है, मल्टीपल। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अभी वन बाय वन करके पढ़ेंगे। रेडी हो गई, आगे जो है जो चीजें हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आती हैं, और उप्स के फीचर्स में से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो ध्यान से समझ लेना सारी चीजें। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसको हाइड करता है, वाइल जस्ट प्रेजेंटिंग द फीचर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। मतलब फीचर्स को रिप्रेजेंट करने से पहले वो आउटसाइड वर्ल्ड में उसको क्या करेगा, ये हाइड करता है, जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको हाइड कर दिया। ठीक है, जो आपका जस्ट जो है वो प्रेजेंट करता है फीचर्स आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके एडवांटेज की अगर बात की जाए तो कोड कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, हाइडिंग डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग द एसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, अब देखो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन जो है अगेन जो है हाइड करता है डेटा को फॉर पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, राइटिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिटी। यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अब्स्ट्रैक्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करेगा और बाकी जो आपका एसेंशियल पार्ट को शो कर देगा। यहाँ पर जो हम डेटा को हाइड तो करते ही करते हैं, लेकिन जो है डेटा को हम बाइंड भी करवाते हैं एनकैप्सुलेशन में। ठीक है, जैसे आपके मेथड्स और वेरिएबल्स हैं और इनको हम बाइंड करते हैं सिंगल यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आया है एनकैप्सुलेशन के जो डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो एनकैप्सुलेशन अगेन जो है वो आपका डेटा को हाइड करता है, प्लस जो है वो आपका मेथड और वेरिएबल्स को बाइंड करता है एक सिंगल यूनिट में। ठीक है, अब देखो क्लास, क्लास का भी यही काम होता है और आपका एनकैप्सुलेशन का, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लास जो है एक वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, वेयर एज एनकैप्सुलेशन इज अ डिजाइन। एनकैप्सुलेशन विदाउट क्लासेस कैन नॉट, मतलब अगर क्लास ही नहीं होगी तो एनकैप्सुलेशन करोगे कहाँ, वे क्लास ऑब्जेक्ट होंगे तभी तो एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें करोगे, लेकिन क्लास ही नहीं है तो एनकैप्सुलेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट क्लास। क्लासेस विदाउट एनकैप्सुलेशन मेक अ क्लास द सेम एज स्ट्रक्ट, है ना। तो क्लासेस जो है विदाउट एनकैप्सुलेशन मेक, आप क्लास बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है, अब आपको लग रहा होगा भी अब्स्ट्रैक्शन और अनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो अब इन दोनों का भी डिफरेंस देख लो। सबसे पहले देखो अब्स्ट्रैक्शन जो है वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम इन डिजाइन लेवल, जो भी आपकी डिजाइन लेवल की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करवाता है। एनकैप्सुलेशन जो है वो आपकी इंप्लीमेंटेशन लेवल की जो प्रॉब्लम है उनको रिमूव। अब्स्ट्रैक्शन जो है वो यूज करता है हाइडिंग द अनवांटेड डेटा एंड गिविंग रेलिवेंट डेटा। ठीक है, जो आपका अनवांटेड डेटा है, जो आपका अनवांटेड डेटा है उसको क्या करता है, हाइड कर लेता है और सिर्फ सिर्फ रेलिवेंट डेटा आपको शो करता है। एनकैप्सुलेशन जो है वो भी सेम जो है हाइड करेगा जो है कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, है ना। यहाँ पर जो है हम उसको बाइंड भी करते हैं डेटा को, प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं उसको, एक सिंगल यूनिट में बाइंड भी कर रहे हैं। Abstraction lets you focus on what the object does instead, how it does it.
है ना, कि हाउ कैसे हुआ। रेमिकार्सुलेशन मींस जो है हाइडिंग द इंटरनल डिटेल, जो भी आपकी इंटरनल डिटेल्स हैं उसको हाइड करता है, और हाउ एन ऑब्जेक्ट डज समथिंग। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आपका आउटर लेआउट है, यूज्ड इन टर्म ऑफ डिजाइन, आउटर लुक ऑफ अ मोबाइल फोन लाइक इट हैज अ डिस्प्ले स्क्रीन, है ना भाई, जो आपका फोन है फोन का जो आउटर लुक है भी कैसा दिख रहा है, क्या स्लिम है, क्या फीचर्स हैं वो, लेकिन उसके अंदर की फंक्शनिंग आपको नहीं पता है ना। डिस्प्ले स्क्रीन एंड कीपैड बटन्स टू डायल अ नंबर, मतलब आपने नंबर्स डायल किया और आपने फोन लगाया, है ना। एनकैप्सुलेशन जो है वो इनर लेआउट है, यूज्ड इन टर्म ऑफ इंप्लीमेंटेशन लाइक इनर इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ अ मोबाइल फोन, हाउ कीपैड बटन एंड डिस्प्ले स्क्रीन आर कनेक्ट विद ईच अदर यूजिंग किट। ठीक है, क्लियर है भाई? आई होप अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, अनकैप्सुलेशन में, अब्स्ट्रैक्शन में। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मेनी फॉर्म्स, है ना, पॉली मींस मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ मैसेज टू डिस्प्ले इन वन मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक मैसेज को डिस्प्ले करना एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई एक आदमी, एक ही एक बंदा है, एक ही आदमी है, और एक ही टाइम पे बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करता है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये, इसका नाम है चिंटू, क्या नाम है, चिंटू, है ना। अब जो है सुबह उठा भाई, इसकी मम्मी ने इसको उठाया, तो एज ए किस किसका काम किया इसने, बेटे का। ये इसका जो रोल था वो क्या है, उसे पेरेंट्स के साथ इसका रोल क्या है, एक बेटा है, छोटा बच्चा है। ठीक है, जब ये नहा धो के रेडी हुआ फिर ये कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद इसका जो अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर है वो अलग हुआ, भाई पेरेंट्स के साथ बिहेवियर अलग है और फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर अलग है, वैसे ही जो टीचर्स हैं उनके साथ इसका बिहेवियर अलग है। ठीक है, और जब ये खुद घर आया, सपोज ये भी आपको जो है घर आके जो है, आजकल हर किसी को जो है एक एडिशनल इनकम कमाने का बहुत वो रहता है, तो आने के बाद ये भी ट्यूशन करता है। जब ये खुद ट्यूशन करता है तो यहाँ पर एज ए जो है टीचर का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा था, जो है फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा था, एक चाइल्ड का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन जब ये खुद ट्यूशन पढ़ा रहा है तो एज ए टीचर का रोल प्ले कर रहा है। तो मतलब एक सिंगल बंदा है, और जो अलग अलग जगह, अलग अलग जगह जो है अलग अलग रोल जो है वो प्ले कर रहा है, और ये जो है हमारे लाइफ की रियलिटी है हर किसी की, है ना, कि आप हर एक जगह जो है अलग अलग बिहेव करते हो। अगर आप अपने जो है पेरेंट्स के साथ, तो आपका वहाँ पर बिहेवियर अलग हो जाएगा, भाई बहनों के साथ तो बिहेवियर अलग हो जाएगा, टीचर्स के साथ तो बिहेवियर अलग है, फ्रेंड्स के साथ तो बिहेवियर अलग है, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया भाई? कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कि मतलब एक ही बंदा रहता है लेकिन वो अलग अलग टाइम अलग अलग जो रोल है उसके अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए एग्जांपल से समझो, पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको फर्दर बताया था कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम में आपका वर्चुअल फंक्शन, जिसको आप ओवरराइडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। कंपाइल टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम दिस टाइम ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, भी फंक्शन को ओवरलोड करना, पर्टिकुलर किसी ऑपरेट के ऊपर जो जो आपके ऑपरेटर्स हैं, है ना, उसको ओवरलोड करवाना। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग व्हेन आर मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, जो आपके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करते हैं, है ना। जैसे स्ट्रिंग में प्लस का काम क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना, यही करता है प्लस वाला ऑपरेटर। वैसे नॉर्मल प्लस दो किन के साथ क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देता है। इस तरीके से मल्टीप्लाई का अलग अलग रोल रहता है, तो वही सारी चीजें। ठीक है, तो फंक्शन आर सेट टू बी ओवरलोडेड, फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड चेंज इन टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हाँ फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग बता दिया, फंक्शन में पर्टिकुलर जो आपकी आर्गुमेंट्स रहती है, फंक्शन जो रहते हैं उसकी बात करते हैं, और ऑपरेटर में पर्टिकुलर हम ऑपरेटर की बात करते हैं, लाइक आपका प्लस जैसे स्ट्रिंग के लिए, और जो है
हम जब पर्टिकुलर किसी इंटीजर को ऐड करते हैं तो वो उन दोनों का सम कर देता है। ठीक है, स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, कॉन्कनेट जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब उन दोनों को एक साथ कर देते हैं और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। क्लियर है भाई? अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका क्या आ जाएगा, फंक्शन के ऊपर ओवरराइड करना, फंक्शन ओवरराइडिंग है ना। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। ऑन द अदर हैंड अक्कर्स व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज अ डेफिनेशन फॉर वन ऑफ द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास दैट द बेस क्लास हैज टू बी सेड टू बी ओवरराइडेड। जो बेस क्लास है वो आपकी क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन दैट यू एक्सेप्ट टू रीडिफाइन इन ड्राइव क्लास व्हेन यू रेफर अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग अ पॉइंटर और रेफरेंस ऑफ बेस क्लास। ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर जो आपकी बेस क्लास है उसके लिए या तो रेफरेंस या फिर पॉइंटर का यूज करते हैं, यू कॉल अ वर्चुअल फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूट ड्राइव क्लास वर्जन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस में से क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन में से। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आ जाता है, रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, कौन से उस कौन से यह फीचर्स में यूज किया जाता है, उसके साथ ही जो इसकी टाइप्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर पूछेगा सब क्लास क्या होती है, सुपर क्लास क्या होती है, बेस क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम ये पर्टिकुलर एक क्लास आपकी एग्जिस्ट है, पर्टिकुलर इसी क्लास में से जो है एक नई क्लास निकालना वो आपका क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू अ ड्राइव प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सब क्लास क्या होता है आपका, सब क्लास होती है आपकी ड्राइव क्लास, जिसको आप चाइल्ड क्लास भी कहते हो। ठीक है, द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम, मतलब जो मेन क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके एक नई क्लास बना दी है, तो इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास या फिर ड्राइव क्लास। सुपर क्लास द क्लास हुज ए प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, सब सुपर क्लास जो होती है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट की जाती है किसके द्वारा, चाइल्ड क्लास द्वारा, बेस क्लास या फिर आपकी सब क्लास द्वारा, जिसको आप बेस क्लास या सुपर क्लास भी कहते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंड व्हेन टू यूज जो इनहेरिटेंस, क्यों यूज कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस को, तो पर्टिकुलर जो है यू नीड टू क्रिएट अ क्लासेस फॉर बस कार एंड ट्रक। ठीक है, मेथड सबके सेम है कि भी फ्यूल अमाउंट कैपेसिटी अप्लाई ब्रेक्स विल बी सेम फॉर ऑल थ्री क्लासेस। ठीक है, तो वी क्रिएट दीज क्लासेस अवॉइडिंग इनहेरिटेंस देन वी हैव टू राइट ऑल फंक्शनिंग ईच ऑफ थ्री क्लासेस आर शोन इन द फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बस है, ये आपकी कार है, ये आपका ट्रक है। ठीक है, एक क्लास बस हो गई, ये क्लास कार होगी, आपकी ट्रक होगी, ये जो है ये तीनों में सेम है, ये सेम है तीनों के तीनों जो है। ठीक है, तीन बार रिपीट करके क्यों जो है हमें, तो आपका जो है स्पेस, नंबर ऑफ लाइन जो है कोड की ज्यादा हो जाएंगी, आपका स्पेस मेमोरी ज्यादा होगी, तो अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो फिर कितना होगा, कोड की रिडंडेंसी कम हो जाएगी, आपके लिए मेमोरी का स्पेस कम हो जाएगा। तो यही सारी चीजों को देखते हुए हम क्या यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इनहेरिटेंस इज यूज्ड इफ, इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि भाई जो है नंबर ऑफ लाइंस, आपकी नंबर ऑफ कोड जो लाइंस हैं वो ज्यादा ना हो, रीयूज जो है आपका रिडंडेंसी ना आए, सेम सेम लाइन को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इस सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का। इफ वी क्रिएट अ क्लास वी कैन राइट दीज थ्री फंक्शंस एंड इन इट एंड इनहेरिट द रेस्ट ऑफ क्लासेस फ्रॉम द व्हीकल क्लास, then we can simply avoid the duplication of data and increase reusability. Look at the flow diagram in which the three classes are inherited from vehicle class. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इससे आप बहुत अच्छे से, ये आपने एक क्लास बनाई व्हीकल नाम की। ठीक है, आपने एक क्लास बनाई व्हीकल नाम की जिसमें आपने ये सारी चीजें रखी और फिर आपका क्लास बस, फिर कार और ये ट्रक, और फिर उसी की इनको आपने इनहेरिट कर लिया। ठीक है, तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस एक होता है आपका पब्लिक मोड, एक होता है प्रोटेक्टेड, और एक होता है आपका प्राइवेट मोड। क्वेश्चन आता भी है तो आपको पता होना चाहिए मोड्स। तो इफ वी ड्राइव अ सब क्लास फ्रॉम अ पब्लिक बेस क्लास देन द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम पब्लिक इन द ड्राइव क्लास। ठीक है, अगर आप क्या बोल रहा है कि अगर आप सब क्लास को ड्राइव करते हो पब्लिक, जो आपकी जो है बेस क्लास क्या है, पब्लिक है, तो जो पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास वो आपके पब्लिक हो जाएंगे किसके, ड्राइव क्लास के। ठीक है, या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। तो अब प्रोटेक्टेड मोड देखो, इफ वी ड्राइव अ सब क्लास, अगर आप पर्टिकुलर किसी चाइल्ड क्लास को ड्राइव कर रहे हो, सब क्लास को ड्राइव कर रहे हो, एक ये बेस क्लास है आपकी और इसका जो मोड है वो क्या है, प्रोटेक्टेड।
तो ऑटोमेटिक जो इसके मेंबर्स हैं, बोथ पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टिव मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ये पब्लिक मोड था तो यहाँ पर भी ये पब्लिक बन रहे थे, अब ये प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब बोला है नेक्स्ट कि भैया अगर जो है आपका जो है बेस क्लास प्राइवेट है, ठीक है, और आप पर्टिकुलर किसी सब क्लास को यहाँ से ड्राइव कर रहे हो, तो अगर जो है आपके पब्लिक मेंबर हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर हैं बेस क्लास के, वो ऑटोमेटिक जो है वो सारे के सारे ड्राइव क्लास के क्या बन जाएंगे, प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अभी एग्जाम्पल देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेस क्लास मेंबर एज स्पेसिफाई पब्लिक को जो है पब्लिक में भी प्रोटेक्टेड में प्राइवेट में भी, ठीक है, कर सकते हो, प्रोटेक्टेड को कर सकते हो, प्रोटेक्टेड पब्लिक में क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा, प्रोटेक्टेड में पब्लिक में प्राइवेट में क्या बन जाएगा, प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट जो है प्राइवेट वाला पार्ट पब्लिक जो है असेसेबल नहीं होता है, प्रोटेक्टेड भी असेसेबल नहीं होता है, प्राइवेट भी असेसेबल नहीं। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की, भैया टाइप्स क्या होती है इनहेरिटेंस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, जो आपका जावा है ना वो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ जी, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक आपकी बेस क्लास होती है और एक आपकी ड्राइव क्लास होती है, बस नथिंग, एक सब क्लास होगी एक सुपर क्लास होगी और कुछ भी नहीं होगा, तो ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आ गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास, मतलब ये बेस क्लास है इसमें से ये ड्राइव क्लास निकली फिर इसी में से एक आपकी ड्राइव क्लास निकल जाती है, आपका क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये आपकी बेस क्लास थी, इस बेस में से ये ड्राइव क्लास निकली जिसको आपने सब क्लास कहा, अब ये सब क्लास जो है वो इसके लिए क्या बन गई, बेस बन गई है ना, और इसी में से क्या निकलेगा, आपका एक और निकलेगा, तो यानी कि मल्टी लेवल, मल्टी एक लेवल लेवल में आपका जो है इस तरीके से हो रहा है। समझ में आया, समझ में आ गई, मतलब बेस क्लास में से आपके ड्राइव निकल रही, फिर ड्राइव में से फिर जो है आपकी ड्राइव क्लास निकल रही है, वो आपका क्या होता है, मल्टी लेवल। और ऐसी ही डायरेक्ट जो है डेफिनेशन पूछी जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्लियर रहना चाहिए आपके माइंड में। हायरार्किकल देखो, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन सिंगल बेस क्लास, कि भाई एक से ज्यादा जो आपकी सब क्लास है वो इनहेरिट होती है किससे, सिंगल बेस क्लास से। दैट इज मोर देन वन ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, मतलब एक से ज्यादा जो आपकी ड्राइव क्लास है वो क्रिएट होंगी किससे, सिंगल बेस क्लास से। ठीक है, देखो समझ में आया, ये बेस क्लास तो आपकी एक ही है, फिर ये आपकी ड्राइव क्लास है, मतलब एक तरीके से ट्री, हायरार्किकल जो है ट्री को आप क्या बोलते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ये भी बेस क्लास है, फिर जो है चाइल्ड, फिर और चाइल्ड, इस तरीके से है ना, तो ये इसका जो है ड्राइव बन गया, अब इस ड्राइव में से इस तरीके से फर्दर जो है आप इस तरीके से और निकाल सकते हो, ये आपका क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका क्या कहता है कि भैया बेस क्लास बहुत सारी होंगी और आपकी चाइल्ड क्लास एक ही होगी, समझ में आया। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका क्या कहता है कि भाई इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस, वन सब क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम मोर देन, मतलब ये आपकी बेस क्लास है और इस बेस क्लास में से आपकी एक जो है वो सब क्लास निकल रही है, एक ड्राइव क्लास है और काफी सारी जो है वो आपकी बेस क्लास हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है भाई, ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है जो कि आपका जावा में सपोर्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसको आप वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द इंप्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो कंबाइनिंग हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से, मतलब दो क्लासेस को कंबाइन कर देना है ना, कि जैसे आपने मल्टीपल और मल्टी लेवल को कंबाइन कर दिया, हायरार्किकल और मल्टीपल को कंबाइन कर दिया, इस तरीके से दो क्लासेस को एक 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 क्लास में कंबाइन करना आपका क्या कहलाता है, मल्टी
जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी बेस क्लास है जिसमें से एक सिंगल आपकी चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हायरार्किकल हो गया, ठीक है। ये हमने, ये तो हम पढ़ चुके हैं, पासिंग ऑफ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दो आ गई, एक तो हायरार्किकल हो गई और एक आपकी मल्टीपल हो गई। तो दो क्लासेस को मैंने एक क्लास में किया, तो आपका क्या बन गया, है, ठीक है। तो ये थे आपके सी प्लस प्लस के, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक बार जावा का और देख लो भाई। हाँ जी, अब एक बार जावा का और देख लो, क्योंकि हम सी प्लस प्लस तो देख चुके हैं कि क्या है, और जितना हुआ है उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब जावा के जो उसके फीचर्स देख लो, जो थोड़ा बहुत अलग है वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज जो ऑलमोस्ट चीजें हैं वो आपकी सिमिलर हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और सबसे पहली कौन सी होती है, आपकी सिंगुलर थी, जिसमें आपने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर्स को यूज किया था, ठीक है। इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज करते हैं, ठीक है। जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन, ये सारी आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, अनकैप्सुलेशन, जो कि हम ऑलरेडी सारी चीजें अभी हम पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी हमने सी प्लस प्लस में पढ़ी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन क्लासेस में आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, इंस्टेंस, वेरिएबल, मेथड इन जावा, है ना, तो ये सारी चीजें। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, पर्टिकुलर जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है अभी हम ये पढ़ के आए हैं, तो आपको क्लियर होगा। जैसे बैग, बोर्ड, एप्पल, पेंसिल, बुक, है ना। तो एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज लाइक चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, ये सारी चीजें, है ना। स्टेट में पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करेगा डेटा वैल्यू को, बिहेवियर में जो है उसकी फंक्शनैलिटी लाइक डिपोजिट, विड्रॉ, आइडेंटिटी में पर्टिकुलर जो है यूनिक आईडी, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिहेवियर में क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिपोजिट, और आइडेंटिटी में पर्टिकुलर जो आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करवा पा रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है, और क्लास आपका क्या है, एक टेम्पलेट है, एक ब्लू प्रिंट है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ऑब्जेक्ट आपकी क्या होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ऑब्जेक्ट जो है रन टाइम एंटिटी है, ऑब्जेक्ट जो है वो एंटिटी दैट विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर, जिसका स्टेट और बिहेवियर होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास है। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब क्लास क्या है, जिसमें फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, नेस्टेड, ये सारी चीजें आप लेंगी, ठीक है। तो क्लास आपका ब्लू प्रिंट है, किसका, ऑब्जेक्ट। फिर जो है क्लास इन जावा, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा, तो वेरिएबल विच क्रिएटेड इनसाइड द क्लास, मतलब वो वेरिएबल जो आप क्लास के अंदर जो है क्रिएट करते हैं, बट आउटसाइड द मेथड, लेकिन मेथड के आउटसाइड, इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल, उसको आप क्या कहोगे, इंस्टेंस वेरिएबल कहोगे। तो मे भी आपसे इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वेरिएबल जो आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हो लेकिन मेथड के बाहर जो है उसको डिक्लेयर करते हो, तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, ठीक है, इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम। ये जो है कंपाइल टाइम मेमोरी जो है वो नहीं रहता, ये जो इसकी मेमोरी क्या होगी, रन टाइम, ठीक है, रन टाइम क्रिएट होती है, दैट्स व्हाई इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। इसलिए जो हम उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। मैथड्स की अगर बात करें तो दो मैथड्स यूज किए जाते हैं, वो जो है आपके मैथड्स जो है लाइक फंक्शन विच इज यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बिहेवियर को बताता है। तो एडवांटेज क्या है भाई, ऑब्वियसली कोड की रियूजेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो मेथड्स इन जावा, जावा में किस तरीके से डिक्लेयर करना है, हाउ टू कॉल अ मेथड, मेथड को डिक्लेयर कैसे करना है, टाइप्स क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। तो मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, कलेक्शन स्टेटमेंट है, सेट ऑफ कोड है, जो ग्रुप करवाते हैं, परफॉर्म सर्टेन टास्क ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो रियूजेबिलिटी जस्ट अभी हमने पढ़ा, तो सारी चीजें आ जाएंगी। मेथड को डिक्लेयर कैसे करेंगे, कि भैया ये आपका पब्लिक है, असेस स्पेसिफायर यानी कि कौन कौन उसको असेस कर सकता है। जस्ट अभी हमने देखा कि भैया पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और एक आपका प्राइवेट होता है, ठीक है। तो कौन कौन किस किस को असेस कर सकता है, वही
तो पब्लिक आपका जो बताता है कि असेस स्पेसिफायर क्या है, इंट आपका रिटर्न टाइप, मेथड नेम सम और पैरामीटर आपकी इंट ही होती है, ठीक है। मेथड सिग्नेचर आपका क्या कहता है, एवरी मेथड हैज अ मेथड सिग्नेचर, इट इज अ पार्ट ऑफ मेथड डिक्लेरेशन, इट इंक्लूड द मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। असेस स्पेसिफायर क्या होता है, असेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर, द असेस टाइप ऑफ मेथड स्पेसिफाई द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड। जावा प्रोवाइड फोर टाइप्स ऑफ असेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C++ में हमने क्या पढ़ा, तीन, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। तो यही जो है जावा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक वही है कि कोई भी उसको असेस कर सकता है, प्राइवेट जो है प्राइवेट असेस स्पेसिफायर मेथड इज असेसेबल ओनली इन द क्लास विच इज डिफाइंड, जिस क्लास में आपने डिफाइन किया है, जैसे आपके फोन है, अगर आपने जो है उसको प्राइवेट कर रखा है कुछ चीज़ों को, तो सिर्फ और सिर्फ जिसका फोन है भैया वही देख सकता है, ठीक है। पब्लिक है तो कोई भी देख सकती है, तो वही सही। प्रोटेक्टेड कुछ लोगों के लिए लिमिट लगा दी है ना, डिफॉल्ट जो है व्हेन वी डू नॉट एनी असेस स्पेसिफायर इन दिस मेथड डिक्लेरेशन, जावा यूज डिफॉल्ट असेस स्पेसिफायर, बाय डिफॉल्ट इट इज यूजेबल ओनली द सेम पैकेज ओनली, ठीक है। रिटर्न टाइप आपको पता है कि भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट कलेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिले। इफ द मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग वी यूज वर्ड की, अगर आप जो है चाहते हो कि मेथड जो है वो आपका कुछ भी रिटर्न ना करे, आप सभी को पता है कि जो वर्ड होता है वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि किसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। आपसे चार ऑप्शन दे देगा, इंट, फ्लोट, कैट और वर्ड, ठीक है। इस तरीके से चार ऑप्शन दे देगा किसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, तो वर्ड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। मेथड नेम जो है वो आपका दैट इज यूज टू डिफाइन द नेम ऑफ मेथड, इट मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फंक्शनैलिटी ऑफ मेथड। सपोज इफ वी क्रिएटिंग अ मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, द मेथड कैन मस्ट बी सब्ट्रैक्शन, मेथड इज इन्वोक्ड बाय नेम, ठीक है। पैरामीटर लिस्ट, मेथड बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं जावा में, देखो C++ की बात करें, C++ में आप कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज, ये सारे कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, लेकिन जावा के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ जी, तो जावा कंस्ट्रक्टर एक ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड, इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, क्लास क्रिएट होगी एट द टाइम कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड इन द मेमोरी, ठीक है। तो जब हम क्रिएट करते हैं तब आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो होता है स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। आप इसको जो है क्रिएट करते हो कौन से कीवर्ड से, न्यू से, ठीक है। एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और ये जो कंस्ट्रक्टर है आपका बाई डिफॉल्ट होता है। कैसा होता है बाई डिफॉल्ट, क्योंकि उस टाइम पे आपका कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होता क्लास के अंदर, और कंस्ट्रक्टर का साइन, ठीक है, ये वाला साइन तो आपको डिकंस्ट्रक्टर होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय होता है तब आपका डिकंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर अगर की कंस्ट्रक्टर के अगर हम कुछ रूल्स की बात करें, तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम है, कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ, जो भी क्लास का नाम है वही आपके जो है कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होती, नो आर्ग्यूमेंट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो है आपकी आर्ग्यूमेंट होती है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपकी आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर आप जावा के अंदर यूज नहीं करते, लेकिन C++ के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका ऑटोमेटिक क्लियर जो है क्रिएट होता है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लियर है भाई इतना। इसके बाद अगर बात करें, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, जावा कंपाइलर क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू क्लास डज नॉट हैव एनी, ठीक है। क्लास का अगर कोई भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट वाला हो जाएगा। तो कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और रूल्स में से ही क्वेश्चन आ जाता है कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, मतलब कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, क्लास का जो नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज्ड। वी कैन यूज असेस मॉडिफायर व्हाइल डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर, इट कंट्रोल्स द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन हैव प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा, क्लियर है भाई। तो दो टाइप होती है, C++ में तीन आ जाएंगी, कॉपी आ जाएगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं है, पैरामीटराइज में होती है, ठीक है। ये आपका
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई भी आपके आर्गुमेंट, कोई भी पैरामीटर आप पास नहीं करते, ठीक है। ये आपका क्लास बाइक है, ये आपका कंपाइलर है, ये क्लास बाइक बाइक क्रिएट किया, और जो है यहाँ पर आपने जो आपका क्लास का जो नाम था बाइक, और बाइक से ही आपने क्या किया भाई, बाइक से ही आपने जो है कंस्ट्रक्टर को सेम नाम से उसने को क्रिएट किया, ठीक है। तो इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन क्लास, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पर्पस क्या है, इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू टू ऑब्जेक्ट लाइक जीरो, नल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। पैरामीटराइज में कुछ ना कुछ आप जो है वैल्यूज पास ऑन करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्लास स्टूडेंट है, यहाँ पर आपने जो है कुछ ना कुछ वैल्यू पास ऑन की है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है मेथड बट विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। इट इज इट कैन ऑल्सो ओवरलोडेड लाइक जावा मेथड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ जी, जावा कंस्ट्रक्टर और जावा मेथड में क्या डिफरेंस होता है वो देख लो। डिफरेंस देखो भाई, जावा कंस्ट्रक्टर और जावा मेथड में कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मेथड इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप, लेकिन मेथड की जो है रिटर्न टाइप होती है। कंस्ट्रक्टर इनवॉक इम्प्लिसिटली, ये एक्सप्लिसिटली। जावा कंपाइलर प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन क्लास, ठीक है। द मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर इन एनी केस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम, कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो सेम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लेकिन यहाँ पर मेथड का कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई मेथड का जो नाम है वो आपकी क्लास के नाम के साथ जो है वो सेम होना चाहिए, मे और मे नॉट बी, ठीक है। ये सारी सेम वही चीजें हैं। फिर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, जावा में यूज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आपका जावा स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेनली जो हम इसका यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड एंड विद वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास। स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास एंड इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। स्टैटिक जो है वेरिएबल, ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल, मेथड ऑल्सो नोन एज क्लास मेथड, ब्लॉक नेस्टेड क्लास, ठीक है। तो जावा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज रेफर टू कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी को रेफर करता है, विच इज नॉट यूनिक फॉर इच ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉय, कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स। स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो मेमोरी एफिशियंट है, मेमोरी को बचाता है, सेव करता है, ठीक है। ये आपका स्टैटिक वेरिएबल का, स्टैटिक कीवर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे आपका स्टैक मेमोरी, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। दिस कीवर्ड की अगर बात करें, क्योंकि दिस कीवर्ड से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो देयर कैन बी लॉट्स ऑफ यूजेस इन जावा दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का काफी सारे यूज करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ से यहाँ तक जो कि आपके ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछी गई थी कि भाई रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट, ये कौन सा कीवर्ड है, तो आपका दिस कीवर्ड है, ठीक है। तो ये दिस कीवर्ड, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है, ये आपका स्टेट बिहेवियर, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यूजेज जो है वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, देखो सबसे पहला यूज है दिस कैन बी यूज रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। जो भी ये जो है रेफर करने के लिए करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, दिस कैन बी यूज इनवॉक करंट क्लास मेथड, दिस कैन बी यूज इनवॉक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस कैन बी पास्ड इन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल, दिस कैन बी पास्ड आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, दिस कैन बी यूज रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात करें तो भैया इनहेरिटेंस आप सभी को पता है कि भाई रियूजेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, सी प्लस प्लस में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट इज ए रिलेशनशिप विद इज नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक होता है इज ए रिलेशनशिप, ठीक है, और एक होता हैज अ रिलेशनशिप। तो इज अ रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करता है पेरेंट चाइल्ड, और ये करता है एग्रीगेशन।
ठीक है, एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन आता है इजी रिलेशनशिप किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेरेंट चाइल्ड को, हैज़ ए किसको करेगा, एग्रीगेशन को, ठीक है। ये क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास, रियूजिबिलिटी सब पढ़ लिया है, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, तो बार बार इन चीज़ों को करने का कोई फायदा नहीं है। सेम चीज़ें हैं, सिंगल वही है, एक बेस क्लास होगी, एक ड्राइव क्लास होगी, मल्टी लेवल में वही है, एक बेस क्लास होगी, फिर जो ड्राइव क्लास में से ड्राइव क्लास निकलती रहेंगी हर आर्टिकल में, आपका क्या होएगा भाई, एक जो है आपकी ड्राइव क्लास होगी, बाकी जो है सॉरी हायरार्किकल में ट्री के फॉर्म में होगा, है ना, फर्दर सब क्लासेस होती रहेंगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज हम नहीं करते हैं, जो कि ये वाला था कि भाई एक ड्राइव क्लास होगी जिसमें मल्टीपल जो है वो आपकी ये वाली क्लास होगी, ठीक है। तो एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मैंने आप जस्ट अभी बताया कि जो हैज ए रिलेशनशिप होता है वो आपका एग्रीगेशन होता है। तो इन इफ अ क्लास हैव एन एंटिटी रेफरेंस इज नोन एज एग्रीगेशन, ठीक है। तो एग्री, व्हाई यूज एग्रीगेशन कोड, रियूजेबिलिटी का इसके लिए हम यूज करते हैं। एग्जांपल देखो, सर्कल ऑपरेशन डबल एरिया, ठीक है, स्क्वायर हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर इन, ठीक है। तो रियूजेबिलिटी कोड के लिए हम इसका यूज करते हैं। यूज देख लो भाई, कोड रेफर टू ऑल्सो बेस्ट अचीव बाई एग्रीगेशन व्हेन देयर इज नो इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस शुड बी यूज्ड ओनली इफ रिलेशनशिप इज अ मेंटेन थ्रू आउट द इन लाइफ टाइम द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वड, अदरवाइज एग्रीगेशन इज द बेस्ट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके, दो टॉपिक रह गए हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और एक टॉपिक रह गया है आपका फाइव एंड स्ट्रिंग का, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एक रह गया आपका फाइल एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे, और अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर हम क्वेश्चन सेशन, ठीक है। कल आपका जो थर्ड यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का हम कल करेंगे भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी भाई, जो वन जो लाइंस की फॉर्म में मैं करवा रही हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस किस एग्जाम में आए थे, तो सारी चीज़ें साथ के साथ करवा रही हूँ ताकि जो है आपको एग्जाम में हेल्प मिले, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो भाई टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।